चुड़ैल चिमन रखी। यह चुड़ैल से पीछे छुड़ानो मुश्किल नहीं असंभव है। मुड़िया पैरी से पीछा तभी छूटेगो जब लड़की की शादी होगी। वो कह रहा है पलट पीछे, राजकुमार कह रहा है नहीं 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 नहीं। और फिर जब वो गर्दन उसकी घूमती है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, हम बिल्कुल फिट फाट हैं। और आज काफ़ी लोग कहते हैं भाई साउथ इंडियन रिएक्शंस थोड़ी देर छोड़ो और बॉलीवुड की तरफ भी आओ, लेकिन देखें छोड़ तो नहीं सकते, हम बैलेंस रख सकते हैं। और साउथ इंडियन रिएक्शंस जो हैं उन पे बहुत ज़्यादा हमें प्यार मिलता है, बॉलीवुड पे भी मिलता है, लेकिन जब आप बॉलीवुड का कहते हैं ना, लोग ज़्यादा सजेस्ट ही साउथ का करते हैं और बॉलीवुड पे आते हैं व्यूज़, उस पे भी अच्छा रिस्पांस मिलता है, लेकिन साउथ पे तो बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप हमें अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम बॉलीवुड पे भी ज़्यादा रिएक्शन करना शुरू कर देंगे और सजेशंस भी आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आज रूही मूवी का हम ट्रेलर देखने जा रहे हैं, राजकुमार राव हैं इसमें, जाह्नवी कपूर हैं और वरुण शर्मा हैं जो कि चूचा बने थे फुकरे में। तो इस मूवी का पहले नाम और था, रूह अफ़ज़ा होने वाला था, हाँ, लेकिन वो फिर पता नहीं किसी वजह से चेंज हो गया, जाहिर सी बात है कोई कॉपीराइट मसला होगा। तो इसको हम देख लेते हैं, ये हॉरर मूवी टाइप है मेरे ख्याल से, स्त्री मूवी जो आई थी ना स्त्री के बाद ये आ रही है। और लिखा हुआ है फ्रॉम द मेकर्स ऑफ स्त्री कम्स अनदर हॉरर कॉमेडी, इस बार मर्द को ज़्यादा दर्द होगा। तो अच्छा लग रहा है, इसको देख के इस पर हम मज़ीद बातचीत करें। ओके जी, लेट्स स्टार्ट द मैजिक ऑफ सिनेमा रिटर्न्स। जी बस, चुड़ैल है चुड़ैल, और वहां भी मुड़िया पहरी उल्टे पैर, शादी वाले घर पे नजर रहती है उसकी। oh, शादी वाले घर पे दूल्हे की आंख लगी, उधर दुल्हन को जगह ले जाएगी वो। किडनैप हो गई। रूजी, रूजी, छुपन छुपाई खेल लिया हमारे साथ। रूजी, ओए, ओ ये क्या? ये तो वरुण शर्मा है। अच्छा एक्टर है। मैं टोटला नहीं हूँ। मैं बस टाको टाप ये टाको। वो टगड़ सिंह ने टांग ये बनी हुई है, टगड़ी बांध के टांग तक आई, अटकता नहीं एकदम से। ओ खौफनाक सा आया है, कुछ करना पड़ेगा। ये क्या सीन है? अब क्या है एक सब? ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तुम नॉनवेज नहीं खाते? सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, जो खाती नॉनवेज वो तो खागी नॉनवेज। मतलब इसमें तो नहीं है शायद?780 कत्था भर के चूना कम सूखी सुपारी दो लो। बच्ची को चुड़ैल चिमन रखी, या चुड़ैल से पीछे छुड़ानो मुश्किल नहीं असंभव है। मुड़िया पैरी से पीछा तभी छूटेगो जब लड़की की शादी होगी। और शादी ना हुई तो मुझे तो मोहब्बत होली भाई, अब अगर जेबी मुझे लव यू टू करती ना तो पलट के जरूर देखेगी। पलट, ये अच्छा एक्टर है। पलट वो डरा हुआ है पीछे। March 11। ओके जी, तो हमने देखा है ट्रेलर, तो हॉरर कॉमेडी है, ठीक है, कॉमेडी के साथ साथ हॉरर चलती है। जाह्नवी कपूर में रूह आ जाती है या चुड़ैल आ जाती है। तो बेसिकली शुरू में वही बता रहे हैं कि उल्टे पैर हैं उसके, चुड़ैल है वो, और जिनकी शादियां हो जाती है ना, तो जब वो मर्द सो जाते हैं तो उनकी बीवियों को किडनैप करके ले जाती है। अब वो कौन ले जाती है ये हमें नहीं पता,
लेकिन फिर देखा कि राजकुमार और वरुण किडनैप कर रहे हैं जाह्नवी कपूर को, और रूही नाम है उनका, और उनके अंदर वो चुड़ैल है इस जगह पे रखा है। ओके, वो बहुत मजे का एक सीन था कि वो जब ज़ॉम्बी बन के निकलते हैं ना, हाँ, वरुण जब ज़ॉम्बी बना होता है ना, और फिर जब राजकुमार एक डांसर करते हैं, हाँ, तो अब पूरी मूवी में जी वो दोनों कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर की वो चुड़ैल को निकाल सकें और उनके साथ रह भी रहे हैं। एंड में किसी ने बताया कि ये चुड़ैल तब निकलेगी जब इसकी शादी होगी, तो वो सीन बड़ा कमाल एपिक सीन था जो दिल वाले दुल्हनिया वाला था ना, ये अगर मुझसे प्यार करती तो पलटेगी, वो कह रहा है पलट पीछे, राजकुमार कह रहा है नहीं 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 नहीं, और फिर जब वो गर्दन उसकी घूमती है और वो पलटती है ना, तो हॉरर कॉमेडी है इसलिए जो है जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा जाह्नवी कपूर को उस तरह से एक मेकअप या जो भी वीएफएक्स नहीं डाले। एक वो सीन भी बहुत मजे का था जब एक डॉल की एक आय जो है वो ब्लिंक कर रही होती है, हाँ, तो साथ राजकुमार की भी एक एक ब्लिंक करती है। तो मतलब है कि डिसेंट है ट्रेलर। हॉरर की बात ज़्यादा की जाए तो ऐसी जगह मुझे नहीं कोई लगी जहाँ पे मैं यूँ हॉरर जंप मुझे कोई जंप आया हो, हॉरर प्लस कॉमेडी, हाँ, मतलब है कि कॉमेडी है तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा उसको नहीं बनाया, ऐसी लुक दी कि बहुत ज़्यादा खौफनाक वाली लुक दी, लेकिन ओवरऑल जो मूवी की स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं कि कुछ नया है लेकिन एक नए वे में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो ये जब मूवी आएगी तभी पता चलेगा कि कैसा रिस्पॉन्स इसको मिलता है, आई होप कि अच्छा मिले। और सॉन्ग, एक सॉन्ग बीच में आया था जो कि पुराना सॉन्ग है, उसका रीमेक है, सॉन्ग का नाम मेरे जहन से निकल गया हुआ है, देखते हैं सॉन्ग्स कैसे होंगे। स्त्री मूवी भी ने अच्छा बिजनेस किया था, तो बाकी आप पब्लिक पे, पब्लिक कैसा रिस्पॉन्स इसको देती है। एंड में लिखा था अब मर्द को भी दर्द होगा, हाँ जी, अब मर्द को ज़्यादा दर्द होगा, तो अच्छा है, मुझे इस तरह की फिल्म पसंद है जिसमें कि आप जो है ना कोई चुड़ैल चुड़ैल अंदर घुस जाती है उसको निकालने की कोशिश कर। अच्छे एक्टर हैं, इनकी मूवीज राजकुमार राव तो बहुत टैलेंटेड हैं, वरुण शर्मा दूसरे जो चूचे बनते हैं फुकरे में वो भी अच्छे हैं, तो अच्छा लग रहा है और देखते हैं अब इसको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। सो आपको रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ब्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ब्लॉग भी देखें उसको भी सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें फॉर लेटेस्ट फोटोज एंड अपडेट्स। हम लोग एक और रिएक्शन लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।